तो हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद द न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। तो लास्ट एपिसोड में हमने बहुत कुछ किया था अपनी गेम के साथ, काफी कुछ नया बनाया था। तो इस एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि और कुछ न्यू करें, एडवेंचर करें। तो ये मैंने यार वीडियो जो मैं यानी कि ऑफलाइन होकर मैंने ये बनाया था भैंसों के लिए, क्योंकि भैंसें कम ज्यादा हो रही थी तो मैंने को लैदा कर दिया है। और मैं सोच रहा मुर्गियों के लिए भी बनाऊँ एक ऐसी जगह अच्छी सी, यहाँ पे सारे मैंने प्लान किया हुआ है। तो मैं वो अच्छी जगह प्लेस करके इनके लिए अच्छी सी जगह बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम एक नेदर पोर्टल बनाएं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले एडवेंचर के लिए चलते हैं, उसका सामान पूरा कर लेते हैं और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऑफलाइन होकर अपने इनके वो प्लेस कर दूंगा। और मैं एक न्यू घर बनाना चाह रहा हूँ, और जो हमारा पुराने वाला घर है मैं इसको वेयर हाउस बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे चेस्ट ही चेस्ट होंगे हर चीज के। तो मैं पिछली गेम में एक दफा मर गया था, तो मैंने फिर यहाँ पे ट्राई किया था और काफी ज्यादा मैंने आयरन निकाले थे, क्योंकि मेरा सारा आयरन वगैरह जाया हो गया था। और मुझे गोल्ड भी मिले थे क्योंकि मैंने काफी ज्यादा अच्छी माइनिंग को जबरदस्त माइनिंग की थी। तो अब चलते हैं अपना सामान। मैंने कुछ न्यू सामान यानी कि जगह बनाई थी, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ब्लॉक रखे थे। उसके बाद यहाँ पे मिक्स सामान है, यहाँ पे मैं अपने वेपन्स वगैरह रख रहा हूँ। हमारी यहाँ पे माइनिंग वाली माइन है जो इसके नीचे हम जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पूरा अच्छा सा घर सा बना दूँ यहाँ पे। तो चलते हैं माइन के अंदर नीचे जाकर सामान निकालते हैं, क्योंकि माइनिंग के अंदर काफी अच्छा कुछ निकल रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब अच्छी सी माइनिंग करके आते हैं नीचे से। तो मैं अपनी टॉर्च ऊपर तो नहीं भूल आया, तो मैं अपनी टॉर्च के साथ लाया हुआ हूँ। साथ पाइप लड़ने के लिए भी सामान है, तो मैंने एक शील्ड एक्स्ट्रा रख ली है। तो दोस्तों यहाँ पे आए थे हम, और यहाँ पे मुझे पता है कि एक स्पॉनर लगा हुआ है जो कि काफी खतरनाक है। यहाँ पे हमें ध्यान से आगे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मकड़ियां आती रहती है, वो अनचार्ट हुई होती हैं। तो ये देखिए स्पाइडर्स बन गई हैं और ये काम खराब हो गया क्योंकि ये एन्चांट हुई हुई होती हैं। तो इसकी वजह से मुझे डैमेज मिलने लग गया है, तो मुझे इन जल्दी से इन्हें खत्म करना होगा। तो इन्होंने तो यार मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है। तो हम साइड पे चलते हैं, जाके अपनी हेल्थ फुल करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहां से स्पॉनर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो मेरे पास एक न्यू आइडिया है कि हम साइड से एक केव से निकाल लेते हैं, ताकि हम आसानी से वहां तक तो कम से कम पहुंचे। और जाके मैं सारे उनको मार दूंगा जितने भी हैं, मतलब वहां पे लाइट्स लगा दूंगा ताकि न्यू स्पॉनर काम ना करे। तो मैं सुना है कि यहाँ पे हमें काफी अच्छी लूट्स भी मिलती है, काफी अच्छे सामान होता है। तो ये हमारी माइन है जिसके जरिए हम आगे पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लगा देता हूँ माइन पे, ताकि हम नीचे ना गिरे। तो तोड़ते हैं यार, एक एक अपने हिसाब से अच्छी सी बना लेते हैं हम। तो मेरी हेल्थ अपनी फुल कर लेनी चाहिए, क्योंकि तो मैं मर जूंगा। तो हमें लाइट्स लगानी पड़ेंगी अच्छी सी, तो मेरे ख्याल से इतना काफी आगे जाने के लिए। साइड से चेक करते हैं, काफी है। अगर हम बिल्कुल स्पॉनर के पास पहुंचते हैं तो हमारा इसमें फायदा ही है। तो लाइट मुझे साइड पर लगानी पड़ेगी क्योंकि मैंने आगे लगा दी है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से यहाँ से स्पाइडर आ सकता है, तो मुझे यहाँ पे कुछ कोबल स्टोन से बंद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और आगे जाना है, कि हमें स्पाइडर को मारना पड़ेगा। स्पाइडर बहुत ताकतवर है, क्योंकि देखा है आपने पहले भी कि इन्होंने मुझे कितना डैमेज दे दिया। तो आई थिंक कि मैं बिल्कुल पास हूँ, तो यहाँ पे लाइटें लगाने की कोशिश करते हैं ताकि स्पॉन होना तो कम से कम बंद हो। तो पहले भी मैं तकरीबन पास आ चुका था, और मेरी स्क्वाड की भी हेल्थ कम है काफी। तो यहाँ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हैं, स्पाइडर्स बन चुके हैं, स्पॉन हो चुके हैं, तो हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। मेरा दिल है कि मैं अपनी दूसरी स्क्वाड निकाल लूँ, लाया हुआ हूँ दूसरी स्क्वाड, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे जॉम्बीज की आवाज आ रही है, और ये स्पाइडर्स भी हैं। तो यहाँ से मुझे फिर डैमेज दे दिया है, तो अब मुझे हिट मिल गया है, तो मुझे अपनी पावरफुल जल्दी से करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ही थी स्पाइडर, और एक ये छुप के बैठी हुई है। तो यार ये स्पाइडर को तो मैंने बहुत मुश्किल से मारा है, तो यार मेरी हेल्थ बहुत कम है, मुझे अब ध्यान रखना होगा। अगर और कोई स्पॉन होगी तो मसला हो सकता है हमें।
तो मेरा दिल है कि मैं स्पॉनर को ही तोड़ दूं। यार स्पॉनर खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्पाइडर की भी आवाज आ रही है। अरे तो हम इसके आगे पीछे लाइटें लगा देते हैं, इतनी टॉर्च हम लगाएंगे हमें फायदा होगा। तो यार ये पता नहीं कहाँ से कोर आ गई है, मैं इसको ऐसे तोड़ रहा था। तो यार एक तो ये भी मुझे मार रही है ऊपर से, मैं शिट। तो यार मेरा 19 लेवल हो गया था और इस स्पाइडर ने मुझे मार दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब उसे तोड़ना पड़ेगा स्पानर को जाके। तो जल्दी से दोबारा नीचे चल। तो यार एक तो असल जो तंग कर रही है चीज वो ये है। तो यार स्पाइडर को तो खत्म कर दिया, तो ये पूरा हो गया। अपने शील्ड भी पहन लेते हैं, तो मैं दो शील्ड लाया हुआ क्योंकि अगर मैं कभी भी जरूरत पड़ सकती है, साथ अंडे भी हैं, अंडे भी मारेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो यार मैं इनको सबसे पहले तोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास दूसरी एक स्वॉर्ड है जिसके पावर कम है, तो मैं इसे यूज करके इसको तोड़ देता हूँ। तो हमें कम से कम चलने का रास्ता मिलेगा, और यहाँ पे हमें गोल्ड मिला है यार, ये बहुत अच्छा हो गया, हमें ये हटाने का फायदा हो गया है। तो मैं डर गया, पता नहीं क्या स्पॉन हो गया। तो इसके लिए मेरे ख्याल से मैं कोई न्यू चीज यूज करनी पड़ेगी, तो मैं ये कर लेता हूँ यूज, या इससे जल्दी टूट जाए। तो इसकी जगह मैं हम यूज करते हैं, तो मैं कहा स्पाइडर आ रही है, तो मैं जल्दी करना पड़ेगा। तो यार जितनी जल्दी हो सकता है मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर से स्पॉन होती जा रही है। तो मैंने इसे तोड़ दिया है, अब वो स्पॉन नहीं होंगे स्पाइडर्स। तो अपनी स्वॉर्ड लेते हैं, इनको तोड़ के अगर ना सफर आगे बढ़ाते हैं। तो यार ये तो केव पूरी बनी हुई है यहाँ पे, यानी कि पूरा रास्ता बना हुआ है। तो जगह यार काफी खतरनाक सी लग रही है। तो हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। यार मुझे काफी डर सा भी लग रहा है क्योंकि अपने हमें अपनी हेल्थ भी फुल रखनी चाहिए। तो यार मेरे हाथ में खाना था और अच्छा हो गया कि इस क्रीपर से, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई क्रीपर का स्पॉनर लगा हुआ है, तो हमें फुल अच्छी तरह ख्याल रखे खेलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम खराब कभी भी हो सकता है। और यहाँ पे यस, यहाँ तो रेलवे लाइन है पूरी, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें अच्छी लूट मिल सकती है, हमें देख के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे हमें आयरन भी मिला है, इसको भी तोड़ लेते हैं, पहले इस पूरी जगह को डिस्कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट कैसी है, और यहाँ पे तो वो है लावा है। तो हमें हमारे ख्याल से यहाँ पे चेस्ट भी मिलने चाहिए यार, अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो मैं डर गया था, ये कहाँ पे है। यहाँ मेरे ख्याल से नीचे स्केल्टन का एक स्पॉनर है, तो यहाँ से लावा आ रहा है, तो इस लावे को मेरा दिल है बंद कर दे क्योंकि हमारा सारा रास्ता खराब हो रहा है लावे की वजह से। तो ये सारा लावा मैंने पैक कर दिया है, तो कम से कम रोशनी यहाँ पे रहेगी, और ये पानी ऊपर से आ रहा है। तो यार जगह काफी खतरनाक सी बनाई हुई है इन्होंने, तो ये पानी यहाँ से भी आ रहा है, तो नीचे है बहुत ज्यादा जॉम्बीज वगैरह, तो नीचे लावा भी है, तो नीचे जाने की मैं हरगिज कोशिश नहीं करना चाहता। तो इस साइड पे आके देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हम अपनी चीजें तोड़नी शुरू करनी चाहिए, तो हमारे पास पूरा सामान है, अगर हमारे पास कमी होती है किसी चीज की तो हम करेंगे। यार हमें काफी अच्छी यहाँ पे लूट मिल रही है, गोल्ड है आसपास, लावा होने के भी चांस हो सकते हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा देख के खेलना पड़ेगा। लाइट टॉर्च खत्म हो रही है, लकड़ियां हैं, जॉम्बी भी आ रहा है, तो जॉम्बी का भी अभी मूड बना आने का। तो जल्दी जल्दी से इसको तोड़ लेते हैं, मैं दिला आयरन वाला यूज करते हैं, जल्दी जल्दी से हम आयरन मिले हैं। तो मेरे पास वुड है, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत नहीं है। अगर हम मुझे ये बनाने हैं, क्या नाम है, टॉर्चेस, तो जल्दी जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो ये अच्छा हो गया, हमें आयरन मिल गया, अब आयरन की कमी नहीं रहेगी हमारे पास, तो आयरन हम यूज कर सकते हैं। तो शिट यार कुछ हिस्सा नीचे आके जाया हो गया है, तो नीचे है लावा, या लावा काम खराब कर रहा है, मेरी सारी माइनिंग खराब हो जाएगी लावे की वजह से।
तो मैं गलती से यार इसमें फंसा हुआ और क्रीपर बिल्कुल नीचे है, तो क्रीपर पता नहीं क्यों नहीं फट रहा, मैं इसके फटने का वेट कर रहा हूँ। तो क्रीपर ही हमने मार दिया यार, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा यहाँ पे, और भी कुछ हो सकता है। तो यार जगह काफी खौफनाक है, और यहाँ पे ये चेस्ट वाला पड़ा हुआ है, इसके अंदर देखते हैं, वो इसके अंदर पड़े हुए हैं लैपिस, तो ये हमें अच्छा हो गया, फायदा हो गया, ब्रेड पड़ी है, हम खाना वगैरह खा सकते हैं। ये नेम टैग वाला एक पड़ा हुआ है, उसके साथ रेल पड़ी हुई है, रेल का हमें काफी फायदा है क्योंकि हम नीचे तक रेलवे लाइन भी जा सकते हैं। टॉर्चेज जो हमने बनानी थी हमें वैसे ही मिल गई, हमें इसका और ज्यादा अच्छा फायदा हो गया है। तो हमें रेलवे लाइन हमारी खुल गई है, तो अभी मेरे पास सामान नहीं है रखने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ फजूल का सामान फेंक दूँ जो मेरे पास फजूल है, अंडे फजूल है, स्पायर ड्राइव फजूल है, तो बस चेस्ट है, चेस्ट की भी जरूरत नहीं है, चलो ले लेते हैं कभी काम आ जाए। तो यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा है, तो आयरन भी तोड़ लेते हैं क्योंकि हम आयरन की और ज्यादा अच्छा ज्यादा से वेपन्स बना लेंगे। आयरन के हमें वैसे भी आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हम आयरन गोलम बना सकते हैं क्योंकि आयरन गोलम हमें सेव कर सकता है जितना हमें मिलता है। तो ये यार इस ज़ॉम्बीज का बच्चा आ गया, इसने तो बुरा लगा दिया, और ये इतना अमीर बच्चा है, लगता है तेरे माँ बाप ज्यादा कमाते हैं यार। एक तो ये मरता बहुत लेट है, और इसने मुझे वो गोल्डन की दे दी है, यानी कि गोल्डन के शूज दे दिए, बूट्स गोल्ड के, तो मेरे पास जगह तो है नहीं, तो मुझे आवाज आ रही थी कि इनके आने का मूड हो रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा शातिर, यानी कि जगह ही बदल के आ रहा है, काफी ज्यादा अपनी तरफ से हीरो बन गया है। तो यार से मुझे काफी डैमेज दिया है, तो मुझे अपनी हेल्थ भी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा काम खराब हो जाएगा। और देखते हैं आगे पीछे हमें क्या मिल सकता है यार, मैं क्या कर सकता हूँ अब, तो मेरा दिल है मैं रॉ चिकन हटा दूं, और उसके साथ साथ फजूल में पर दरख्त पड़े हुए हैं फजूल, इस जगह ज़ॉम्बीज़ की उठा लेते हैं। साइड पे क्रीपर आ गए, और क्या हो गया, तो क्रीपर ने सारा काम खराब करना था जो कि सही हो गया है। तो यहाँ पे भी आयरन है, इस आयरन को तोड़ते हैं। तो यार ये जगह काफी खतरनाक है, अच्छा हो गया मैं शील्ड ले आया हूँ, क्योंकि शील्ड की वजह से माइनक्राफ्ट मुमकिन है आगे चलानी। तो यार मुझे घर का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, मैं किस साइड से आया हूँ। तो दोस्तों हम शुरू वाली जगह पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये हमारे शुरू में जो गोल्ड पड़ा था हम इसको भी उतार लेते हैं, कि हमें आपका गोल्ड भी काफी ज्यादा हो गया, और मैंने आयरन भी काफी ज्यादा निकाल लिया है मारियो के, ये हमने मारा है अभी, माइन है जो हमारी, हमने इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्तों में हम करेंगे और ढूंढेंगे यहाँ पे जो जो कुछ मिलता है हम सब निकाल लेंगे इस माइन से। अभी तो मुझे सिर्फ एक मिली है माइन कार्ड जिसके ऊपर चेस्ट लगा हुआ था, तो यहाँ से तो हो गया काम, अब चलते हैं नीचे वाली साइड पे, क्योंकि नीचे वाली साइड पे मुझे काफी अच्छा सामान मिला हुआ है, तो वहां में ये शायद डायमंड्स मिले थे, और मैं सोचा जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस टाइम आऊंगा, उस टाइम देखेंगे हमें कि डायमंड्स किस तरह के हैं, कहाँ मिले हैं। तो यहाँ मैं कहीं पे अपनी खोद रहा था माइन, तो दोस्तों माइनिंग कर रहा था तो मैं इस रास्ते पे आया था वहां से होता हुआ, तो यहाँ मुझे एक इस तरह की जगह दोबारा मिली थी, तो मैंने सोचा था इस जगह को एक्सप्लोर करूँ, तो यहाँ पे मैं उतरा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉम्बीज वगैरह थे, तो मैं जगह को आगे ज्यादा तक नहीं एक्सप्लोर किया था क्योंकि यहाँ पे अंधेरा एक तो बहुत ज्यादा था, मेरे पास टॉर्च खत्म हो गई थी, और ये जगह भी यार काफी खौफनाक है उसी जगह की तरह, तो इस जगह को भी चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये भी उसी जगह से कहीं से जुड़ी हुई है। तो यार हमारा जो मिशन, हमें चाहिए हमारे डायमंड्स, तो हमें बहुत ज्यादा डायमंड्स चाहिए। तो यार ये माइन भी काफी बड़ी है, और यहाँ पे ज़ॉम्बी कहाँ से निकल आया, तो यहाँ पे हमें गोल्ड नजर आ रहा है, मुझे ज़ॉम्बी को मार कर मैं निकाल लेता हूँ। तो ये ज़ॉम्बी यार इतने ज्यादा अपना डैमेज कहाँ से लेके आया है, दादा इसकी हेल्थ कहाँ से हो गई है, लगता है खाना अच्छा खाने लग गया है, अमीर है यार यहाँ के ज़ॉम्बीज भी। तो यहाँ देखना पड़ेगा यार, जगह काफी खतरनाक है, तो इस साइड से पानी आ रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो
आयरन है इसको भी उठा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा आयरन होगा हमें उतना ज्यादा गेम में फायदा होगा। तो यार ये एंडरमैन यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये बुरे वक्तों का होता है तो नीचे जा रहा है कहीं पे। अगर मैं इसको लावे में भैया, मगर पहले टेलीपोर्ट हो जाता है, अगर यार से मुझे मारना शुरू किया ना तो मेरा बहुत काम खराब होगा। वो मैं गलती से नीचे गिरने वाला था तो मुझे देखना पड़ेगा, और गलती जरा सी मैंने की तो मेरा काम एंड हो जाएगा यहीं पे, और जो जो कुछ हमने माइन किया है वो चला जाएगा। तो यार मैं ऐसे बिल्कुल लड़ना नहीं चाह रहा। हेलो एंडरमैन, आपका मूड तो नहीं मैं ऐसा लड़ने का? नहीं, तो जल्दी से अपना आयरन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यार एंडरमैन का डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है, मुझे डैमेज बहुत ज़्यादा देगा अगर मैं इससे लड़ा तो। मुझे फील तो आ रही है इसका लड़ने का मूड मार रहा है, तो इसके लड़ने से पहले हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो यार ये जगह थी काफ़ी खतरनाक, उसके अलावा और भी जगह हैं इस गेम में। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस केव के अंदर माइनिंग काफ़ी हो गई है हमारी, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो बाहर चलते हैं, बाहर जाके थोड़ा सा सांस वगैरह लेते हैं, वैसे भी हमारा बंदा दब गया होगा। और ये वो जगह आ गई जहाँ मुझे दोस्तों डायमंड्स मिले थे, तो मेरे ख्याल से ये जगह काफ़ी अच्छी है। तो मैंने डायमंड सोचा था जब मैं ऑनलाइन होऊंगा यानी कि वीडियो बनाऊंगा तो मैं यार डायमंड तोड़ूंगा। तो यार हमें काफ़ी अरसे बाद बहुत ज़्यादा डायमंड मिले हैं, तो ये मेरी जो माइनिंग थी कामयाब रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई थी। तो मैं साइडों से काट के पूरा सेट करके रखा हुआ था कि यहाँ से कहीं से लावा वगैरह ना आ जाए, क्योंकि इस तरह के बहुत सीन होते हैं कि लावा साइड से निकल आता है। तो अब जल्दी से ऊपर चलते हैं क्योंकि हमारे डायमंड हमें मिल गए हैं, और मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाह रहा। हम बाहर पहुंचने वाले हैं क्योंकि मेरी मेरी गायों की आवाज आ रही है, भैंसों की। तो दोस्तों हम काफी अरसे बाद, पता नहीं 3 4 रातों बाद ऊपर आ गए हैं, और हमारे पास काफी ज्यादा सामान भी है। तो हम बहुत देर बाद आए हैं, जाके अपना सामान चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या सामान आया है। सबसे खुशी की बात कि हमें डायमंड्स मिल गए हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात तो हो नहीं सकती। तो जाके हमारा बंदा भूखा है तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। मेरे ख्याल से अभी न्यू न्यू बिल्कुल सुबह हुई है, तो चिकन था हमारे पास, तो हमारे पास काफी ज्यादा न्यू सामान हो गया है। तो मैं सोच रहा यार इस घर को यानी कि वेयर हाउस बना लूं, मैं ऑफलाइन करते हुए इस घर को वेयर हाउस बना लूंगा, हो सकता है ऑनलाइन भी कर लूं। उसके बाद फिर डायमंड का डायमंड यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, 5 मिले हैं, कोई रह तो नहीं गया नीचे अब पता नहीं। तो हमारे पास जो आयरन के ब्लॉक्स हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं, आयरन और काफी ज्यादा हो गई है, गोल्ड और सॉरी, तो आयरन और भी है, गोल्ड और भी है। आयरन और हमारे पास 36 हुई है, गोल्ड और हमारे पास हो गई है 20। तो हमारे पास काफी ज्यादा अच्छा सामान हो गया है, तो इनको लगा दे चेस्ट के अंदर। तो हमारा चिकन आ गया है, तो कोयला भी हमने काफी ज्यादा तोड़ा है, वो भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस माइन में, तो यहाँ पे मेरा दिल है हम लगा देते हैं गोल्ड, और सबसे पहले गोल्ड निकालते हैं। तो उसके अलावा मेरे पास और भी ज्यादा पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं। मेरे पास एक और फर्नेस पड़ी हुई है तो उसको लगा देते हैं। तो इसके अंदर हम लगाते हैं कोयला अपना डालते हैं 10, जितने भी हमारे पास आयरन ओर है इसको प्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे पास सामान तो काफी ज्यादा हो गया, अब अपनी फसलें काट लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि फसलों के लिए अलहदा से यहाँ पे एक जगह बनाऊँ, इसके अंदर हम अपना फसलों का सामान रखेंगे। तो भी मेरा दिल है ज्यादा फसलें ना काटूँ मैं, क्योंकि अभी इतनी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी काटी है, बाकी वीट ये सीड्स लगा देते हैं। दिल है कि हम थोड़ा सा और एडवेंचर कर रहे हैं, आगे से जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने वर्ल्ड को। उसके लिए मैं वेपन थोड़ा अपने डायमंड के स्वॉर्ड ले लेता हूँ, कि मैं फील आ रही है कि हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है। खाना हमारे पास बहुत है खाने के लिए, मेरे ख्याल से चिकन पड़े में बहुत ज्यादा हम खा सकते हैं। तो मैं अपने डायमंड के स्वॉर्ड ले लेता हूँ जिसकी हमें असल जरूरत है, बाकी का फजूल का सामान साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ तक मैं कहीं पे आया था, मैंने लाइट लगाई थी क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है, मैं इसको एक्सप्लोर भी करना चाहता था, कि रेगिस्तान में अभी तक हम नहीं आए। और रेगिस्तान के तो जाकर देखते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है न्यू देखने के लिए। तो ये क्या है यार, यहाँ पे कितने प्यारे घोड़े हैं। अगर मेरे पास रस्सी है तो मेरा दिल है कि एक मैं बांध लू, अगर आने वाले वक्तों में कहीं भाग ना जाए। है क्या नाम, मैं फेंस तो मैं इसको बांध देता हूँ यहाँ पे। तो यार ये अच्छा हो गया है, तो अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, यहाँ पे पूरी ऊपर फंसा रहेगा। वो ये तो रेड वाले बंदे हैं जो कि रेड करते हैं तीर कमान वाले, तो यार ये तो काफी खतरनाक बंदे हैं। तो मुझे अपनी जल्दी से जल्दी शील्ड अच्छी वाली निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत गंदा बैटल होने वाला है। तो इन्होंने जेल में किसे बंद करके रखा हुआ है यार, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर तो जल्दी से इनके घर के अंदर चला जाता हूँ और जाके पूरा घर को अंदर से बंद कर देता हूँ ताकि अंदर ना आ पाए।
मुझे एक ये ट्रिक है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं लड़ा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। वो देखो हर तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है अपने घर को, तो चुप करके जाते हैं और घर के अंदर जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो यार इनका घर बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। और ये क्या सीढ़ियां हैं? तो यार इन्होंने कोई सामान वगैरह तो रखा हुआ नहीं है, ऊपर कोई है तो नहीं? तो यार यहाँ तो काफी ज्यादा अंधेरा है, और यार कितना जबरदस्त इन्होंने अपना किला बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली है, और चेस्ट के अंदर मुझे गाजरें मिल गई हैं। तो यार मैं कैरेट की बात की थी, मुझे कैरेट मिल गई है। और उसके साथ ये क्या है, एंचेंट कोई बॉटल हुई भी है, उसके साथ एक बुक है। तो मैं जल्दी जल्दी से सारी की सारी कैरेट इकट्ठी कर लेता हूँ, क्योंकि वो नीचे इकट्ठे हो रहे होंगे सारे मुझे मारने के लिए, और मुझे भागना पड़ेगा। और मैं इनसे लड़ा नहीं हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी लगाई है, तो विंग्स की जरूरत नहीं है। तो मैं वाटर बॉटल ले लेता हूँ अपने साथ, तो मेरे पास वैसे भी पड़े हुए, मैंने बहुत ज्यादा नीचे इकट्ठे किए थे स्पाइडर के थोड़े से। कैरेट आ गई हमारे पास, बुक आ गई है, उसके भाई डार्क ओर है ये भी ले लेते हैं, उनका पूरा चेस्ट खाली करके जाएंगे, उनको रात को नींद भी नहीं आएगी कि हैं कितने। सबसे पहले ये चेक करते हैं, तो हमारे पास आ गई अब गाजर, तो चेक करते हैं यार नीचे यहाँ पे साइड पे दो हैं, और इन्होंने एक आयरन गोलम कैद किया हुआ है जेल के अंदर, क्योंकि अगर मैं इनसे लड़ा तो मेरा काम हो जाएगा एंड, क्योंकि ये तीन इस साइड पे हैं, एक इधर भी है। तो यार एक दफा मुझे पहले भी, जब मैं एक दफा गेम खेल रहा था, मैं मिले था इसी तरह का घर, और उस घर के अंदर बहुत ज्यादा ये थे। तो यार ये रेड करते हैं विलेजेस पे, और उनको बेचारों को मार कर अपना सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं, और ये बहुत ही बेगैरत लोग हैं। इनका चेस्ट भी उठा लेते हैं, इनको चेस्ट भी देने की हम इजाजत नहीं देंगे। तो चेस्ट उठा लेते हैं, हमारा फ्री का चेस्ट बन गया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भागूंगा ऐसे, तो यार अब मुझे भागने की प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेट हो रहे हैं और ये सारे साइड पे आ गए, तो इनके तीर अंदर आने लग गए। तो मुझे सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मुझे मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और ये सारे इकट्ठे होके आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे इस पत्थरों को तोड़ के एकदम भागना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ फुल स्पीड में भागूंगा। और शिट यार साइड पर तो बहुत ज्यादा थे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो मुझे एक दो तीर लग रहे हैं, लेकिन मैं भाग रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैं ये, और जो जो मेरे पीछे आएगा उनको मैं एक अच्छी जगह जाके मार दूंगा। तो मेरे पीछे सारे ही आ रहे हैं, तो मुझे और जल्दी भागना पड़ेगा। तो मेरी घर की लोकेशन साइड इस साइड पे है, इसी साइड पे है किसी पे, तो मैंने यहाँ के टॉर्च लगाए थे, और शीट रात भी होने वाली, यानी कि मुझे अब इनसे भी लड़ना पड़ेगा और जॉम्बी से भी अगर मैं घर ना पहुंचा। तो यहाँ पे शुगर केन है, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो मेरे पीछे नहीं आ रहे, तो ये शुगर तोड़ लेते हैं। तो यार वो तो वहां रुक गए हैं, और मेरे पास सामान तो काफी हो गया है, और एक आ रहा है, तो एक से हम डरने की क्या जरूरत, तो एक मार देता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं एक छोड़ू तीन चार आ जाए पीछे से। तो यार ये होते बहुत वगैरह हैं, क्योंकि ये विलेजेस पे जाते हैं, उन पे रेड करते हैं, और उन पे जाके सारा सारा उनको बंदी बना के उनका सामान वगैरह लूट लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया दोस्तों कि हम अपने घर आ गए, हमारे पास गाजरें आ गई हैं, तो सुबह हो गई है। तो दोस्तों एक फ्लिंट बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सामान पड़ा हुआ फ्लिंट का भी, तो मैंने यहाँ पे लैपिस ढूंढ के रखा था कहीं थोड़ी, तो यहाँ पे मैंने फ्लिंट ढूंढ के रखा था। हमारे पास आयरन वैसे ही है, तो हम बना सकते हैं मेरे ख्याल से। हम तो वेपन्स में चलते हैं, जाकर देखते हैं, तो हम ये बना सकते हैं। इसके लिए आयरन चाहिए, आयरन मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आयरन मैंने रखा था इधर किसी ब्लॉक में, तो अपना सारा आयरन ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारा आयरन है, तो मैं इसको यूज करता हूँ अब, और अपना फ्लिट बना लेते हैं। तो ये हमारा फ्लिट बन गया है, यानी कि अब हम आग लगा सकते हैं। तो अब मैं बना लेता हूँ एक नेदर पोर्टल, मेरे पास ऑब्सीडियन भी पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले चलते हैं बाहर जाके अपनी एक बनाते हैं नेदर पोर्टल। लेकिन बाहर तो काम खराब हुआ हुआ है, यहाँ तो ज़ॉम्बीज हैं और क्रीपर्स हैं, यार ये काम बंदा खराब करता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आग लगी हुई है, अगर ये मारे दिन के वक्त तो हमें आग लग जाती है, तो मुझे आग बुझानी पड़ेगी सबसे पहले। कि नेक्स्ट वीडियो में हम पिग्स को पकड़ के लाए, उनके लिए एक जगह बनाए, तो ये इनको फेंक देते हैं साइड पे, तो जितनी गाजरे हैं इनको मैं लगा देता हूँ। तो हमारे पास 11 गाजरे थी, तो हमने लगा दी हैं, तो उसके साथ साथ मेरे पास कुछ और होंगे सीड्स,
तो इनको भी मैं लगा लेता हूँ। तो ये दो सीड मैं इनके लगा लेता हूँ। उसके साथ साथ हमें शुगर केन्स मिली हैं, तो मैं उनको लगाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये जगह बेस्ट है। तो मेरे पास शावल पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं शावल से जगह सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली जगह बेहतर रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। तो नेदर पोर्टल वाली हम अब ले लेते हैं, अपना जितना भी ऑब्सीडियन है उसे ले लेते हैं, खाना साइड पे कर देते हैं। उसके साथ साथ हम थोड़े से ले लेते हैं कोबल स्टोन। तो यहाँ पे कोबल स्टोन लगाना है यहाँ पे, ये गलत लग गया, इसको तोड़ देते हैं। तो हमारा कहाँ पे पिकेक्स, तो इसको तोड़ देते हैं। तो ये टूट गया, उसके बाद हम ये ले लेते हैं। तो अब बाकी हमें चाहिए ऑब्सीडियन, पूरे 10 लगते हैं, तो गलत लग गया तो हमें 1 घंटा पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो अब साइड से होके मैं इस साइड पे भी लगा देता हूँ, 1 2 3। तो मेरे पास रह गए अब 2, तो एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे। तो उसके बाद 2 रह गए हैं ऑब्सीडियन, तो इनको भी लगा देते हैं। हमारी पोर्टल बिल्कुल तैयार है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लगा देते हैं हम डर्ट, और इस जगह को बिल्कुल बंद कर देते हैं। अगर जरूरत नहीं पड़ती तो हम लगाते हैं हम यहाँ पे आग। तो हमारे पास फ्लिंट है, तो फ्लिंट हमने ले लिया। तो फ्लिंट क्या है, ये भी फायदा है कि इन फजूल जगह को आग लगा देते हैं, घास वगैरह को। तो यस दोस्तों, हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार हमारी नेदर पोर्टल। तो मैं इसके अंदर भी जाना नहीं चाहूंगा, तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पोर्टल के अंदर जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इस तरह के न्यू एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।